मज़हर भाई प्रणाम अलगुम। शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से अल्लाह से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके नवजीवन हमेशा खुशहाल रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और जहां तक मैंने सुना है कि आदमी के जीवन में जब कोई नया साथी जुड़ जाता है, उसकी पत्नी आ जाती है, तो उसका जो लक होता है और दुगना हो जाता है, कई गुना हो जाता है और उसकी सफलता और अच्छी हो जाती है और ऊंची सफलता मिलती है उसको। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जब से सुभी खान जी आपके जीवन में आई हैं, इसके बाद आपके ज़िंदगी में और ऊंचा आयाम आए और ऊंचाई मिले, आपको सफलता के नया परचम लहराएं, बहुत बड़े स्टार बने, आप लोग का जीवन, ये नवजीवन सुखमय रहे, सुखमय और शांति से व्यतीत हो, ये हमारे तरफ से दिल से, हार्दिक दिल से, तहे दिल से शुभकामनाएँ हैं। और बस ये चाहते हैं कि आप हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मैं आपको लगभग, मैं जब से आप बीएनए में थे लगभग 15 वर्ष हो गए, तब से मैं आपको जानता हूँ। आपने संघर्ष का बहुत दौर देखा है, लेकिन हर दौर में आप हमेशा मुस्कुराते रहे हैं। जब भी मैं आपसे मिला हूँ, आप जिस भी परिस्थिति में रहे हैं, हमेशा आपने मुझे अप्रिशिएट किया है और एक संतावना दी है कि आप मेहनत कीजिए और अल्लाह आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। बस तो आपके बताए कदमों पे मैं चला हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि आपने मुझे हमेशा गाइडलाइन दिया है। तो मेरे पास कुछ तो है नहीं, एक शुभकामना है, तो ये चाहूँगा कि आप दोनों लोग जहाँ भी रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें और आप लोग दोनों लोग मिलके सफलता का एक नया आयाम बनाएं। और बस अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहिए और जल्दी ही हमारे लिए कुछ नई खुशखबरी दीजिए। इसके लिए हमें इंतज़ार रहेगा कि कब कोई मुझे अंकल कह के बुलाए। लव यू दोस्त, और मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, आपके चेहरे पे मुस्कान हमेशा अच्छी लगती है। और जब गड्ढा पड़ता है गाल पे, तब तो समझ लो कि बस ये लगता कि काश मैं लड़की होता। दोस्त लव यू, बस लव लेज यू, बस जहाँ भी रहो मस्त रहो, व्यस्त रहो, चाह चक भाभी जी को प्रणाम, चरण स्पर्श।